अनंत समय पर्वतों के भी महाराजा धीराज सम्राट श्री गोवर्धन, आप कृपा करके अपने निकट से मुझे पास कीजिए। आपके निकट रहना मुझे प्रिय है, क्योंकि आप अपने स्वामी निज पति पूजनंद छत्र भावम अपने स्वामी कृष्ण के भुजारूपी दंड के ऊपर में छत्र भाव को छाता होकर के ऐश्वर्य मत से धृष्ट उदंड देवेंद्र को गर्भ को नष्ट कर दे रहे हैं। ऐसे गोवर्धन की राजनी गोवर्धन आप अपने निकट हमें निवास प्रदान, क्योंकि नवजुवक स्वरूप जुगल स्वरूप राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी आपके प्रत्येक कंदरा कंदर में, प्रत्येक कुंजों में परम हर्षमयी और प्रेममयी लीलाओं को विशेष रूप से विलास कर क्रीड़ा करती है कंदरे कंदरे में। अभी कंदरा नहीं देखा जाता है, किंतु कंदरा है, बहुत से उसमें कुंज थे जो पुछन की तरफ में कुछ कुंज जैसे अभी बचे हैं, बाकी सब नष्ट हो गए। इन दोनों लीलाओं को देखने के लिए मैं साक्षी मध्यस्थ बनना चाहता हूँ। मैं आपके निकट रहने से किसी दिन सौभाग्य होगा लीलाओं को देख सकते। अनुपम मण वेदी रत्न सिंहासन रोज दर्शन रोड संघ सब अंश के भी संखेल निकट निवास गिरिराज गोवर्धन, आप कृपा करके अपने निकट में हमारा स्थान दीजिए, वास स्थान यही गोवर्धन में रहो। यदि कहूँ जो क्यों संकेत इत्यादि में नंदगांव पर साना में जो लीला होती है तो वहीं पर मांगो, ये नहीं क्यों। ओ आप अपने प्यारे श्री कृष्ण को अपनी अनुपम मणि वेदियों पर कृष्ण की शिलाए हैं जैसे मणि वेदी, उन पर कृष्ण सखाओं के साथ में बैठ गए रत्नमय सिंहासन वृक्षों के नीचे छरनों में दरारों में शिखरों के ऊपर तथा गुफाओं की श्रेणी में बलदेव इत्यादि सखा और सखियों के साथ में और ललिता विशाखा चंद्रावली प्रभृति सखियों के साथ में लीला विहार। तो तुम्हारा क्या लाभ है आपका निकट रहने से पास करने से मैं भी लीलाओं को दर्शन कर सकता या दर्शन करने की स्पृहा हमारे हृदय में जरूर थे। रसनी के नव जूनो साक्षिणी दाग के लिए दुत पर मल विध्यान श्याम के दिन प्रकाश रसी पर कुला नंग रंगाओं दवास आलन ने निज निकट निवास देव गुरु गिरिराज, आप अवश्य ही मुझे कृपा करके अपने पास में ही मुझे स्थान, क्योंकि आप रश्मि की रस के ठंडा राधा कृष्ण युगल दान के लिए के साक्षी, जहां भी दान काटे गए दान के लिए में कृष्ण ने मुझसे दान मांगा, इसके आप साक्षी हैं। आपके निकट रहने से वो लीलाएं हमारे हृदय में साक्षी है और
अत्यंत सुंदर कांति और मनोहर सुगंध से युक्त है श्याम वेदी। श्याम वेदी वन पोखरा के पास है। श्याम वेदी रत्न वेदी की है। श्याम वेदी और रसिक श्रेष्ठ वैश्य कृष्ण भक्तों का आनंद बढ़ाते हुए आप ये सब गिरिराज जी ने प्रस्तुत करके रखा है कृष्ण के रत्न वेदी श्याम वेदी किलोल कुंड वहां पर किलोल करते थे। पासी में लाल कुंड है, पासी में कुसुम सरोवर है जहाँ पर कितनी प्रकार की लीलाएं उस समय नाना प्रकार के फूल देवी चमेली धूरी कदम्ब कले सब फूल खिलते थे और राधिका जी चयन करते जाए ये गिरिराज हुआ। कृपा करके अपने अच्छा तो तुम पुष्करी में रहना चाहते हो बंसी गंगा के किनारे हरिदेव जी के पास में कहाँ रहना चाहते हो? यदि आप कृपा करके पूछते हैं तो राधा कुंड के अपने निकटवर्ती राधा कुंड में उनको स्थान और कहीं राधा क्योंकि राधा कुंड कृष्ण का अतिशय प्रिय है, राधा जी ही है ऐसा सब राधा जी को पावन जो कर सकती है पुण्य की वो कृपा कर सकती है। अतः अपूर्व है आपका प्यारा सखा भी है और राधिका जी का स्वरूप भी है इसलिए आप राधा कुंड को परिहास पूर्वक अपने कंठ में आविर्भूत करें। वहां पर अदृश्य है किंतु वहां पर राधा कृष्ण गिरिराज जी अपने कंठ में राधा कुंड को हार की तरह पहनते हैं और राधा कुंड में गुप्त होकर के राधा कृष्ण क्रीड़ाओं को देते हैं। राधा कुंड की जितनी भी लीलाएं होती हैं कृष्ण के साथ में ये राधा जी प्रसन्न इसलिए मैं वहां पर आने से राधा कुंड रहने से उनकी सब लीलाओं की स्फूर्ति होगी या कभी किसी समय में दूसरे जन्म में हम दर्शन कर सकते हैं। थल जल तल सस्पई गुरु छाया पतिपद अनुकाल हंत संबंध ये जगत के जीवन का सार्थक अनुताप यान में ये निकट निवास हम देख होगा। हे गिरिराज भगवान हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं या आप सभी लोग भी मेरे साथ से प्रार्थना कर रहे हैं ये प्रार्थना सबके लिए है। हे गोवर्धन आप अपने निकट मुझे निवास दीजिए क्योंकि आप स्थल जल तल वृक्ष छाया पग पग पर गोबरों की गायों की वृद्धि करते हुए गान बढ़यति गोपी बढ़यति गो बढ़यति इंद्रियों को बढ़ते आनंद देते हुए इसके अनुसार में आप गोवर्धन तीनों लोकों में सार्थक रूप में विख्यात हो अतः आपके निकट निवास प्राप्त होने से आपके निकट गोचारण करने के लिए कृष्ण आएंगे सखाओं के साथ में सखियों से विलास करने के लिए आएंगे तो आपका दर्शन मेरे लिए भी हो जाएगा। सुरपति पितर दीर्घ दोष अवस्था तमनवा गृह को रूपा रूपस्यान करे कुमतरी अगपकर को रोकुच्य दत्तमान आप अपने निकट में बस यदि को तुम अपने मन में जो जो भावना करके मेरे निकट निवास करना चाहते हो उनकी भावनाओं को वृंदावन के किसी भी प्रदेश में हो सकती है कि मेरे निकट ही क्यों निवास करना चाहते हो? उत्तर में कहते हैं गोवर्धन आप अपने निकट ही शीघ्र निवास क्यों
नवीन गृह रूप आपके भीतर स्थापित किए हुए इंद्र के द्वारा विशाल ध्रुव से रक्षा करते हुए अघारी और बकारी कृष्ण ने अपने लिए आपके लिए बहुत सम्मान गिरिराज जी को उठाकर और गिरिराज जी के ऊपर में स्वयं ने अपना दूसरा रूप बना करके और अपने आप उसको भोग इत्यादि इसलिए उनको सम्मान दिया इसलिए आपके निकट आने से कृष्ण की कृपा भी हो गई है। यदि कहो पंच योजना में वस्ती बनम देह रूपिण कृष्ण के देह स्वरूप में वृंदावन के किसी भी प्रदेश में निवास करने से अब विष्णु की पूर्ति हो जाएगी मेरे निकट क्यों चाहते हो तो हे गिरिराज महाराज श्रीमती राधिका के बुखार बिंद से अंतायम और प्रबला हरिदास राधिका जी ने स्वयं आपके लिए हरिदास वर के कहा महाराज युधिष्ठिर के लिए हरिदास उद्धव के लिए हरिदास वर और इनके लिए हरिदास वर के कहा आप हरिदासों की श्रेणी में श्रेष्ठ हो नाम रूपी अमृत प्रकट हुआ है यह नाम रूपी अर्थात गोपियों के मुख से हरिदास यह नाम रूपी अमृत प्रकट हुआ है अतः सब वेदों ने आपके ब्रज में अपने रूप में आपको तिलक रूप में प्रतिष्ठित कर दिया अतः तो सब पर्वतों का राजा आपको बनाया है इसलिए अधिकस्य अधिकम फलम इस न्याय के अनुसार में शिष्य श्रेष्ठतम के निकट निवास कर रही हूँ गोवर्धन अपने निकट निवास करना जो राधा कृष्ण मैत्री भजन पशुपाली अवनत कर्मा पान मामूरी निकट निवास यदि कहो अपने अभ्यस्त को दूसरे पंचवासी से ही मांग लो मेरे लिए क्या प्रयोजन है नहीं आप सखी और सखा कर स्वजनों में से परिपेश राधा कृष्ण की मित्रता रूपी रस से ब्रज के नर नारी पशु पक्षी आदि प्राणी मात्र के अद्वितीय सुविधा नंद बाबा को कोई जरूरत होगी गोपियों को गोप को तो गिरिराज गोवर्धन की से ही मांगते हैं कृष्ण सुखी रहे गिरिराज गोवर्धन से प्राप्त उनको कोई भी जरूरत होती कृष्ण को भगवान नहीं जानते उनसे कुछ नहीं मानते इन्हीं से मानते कृष्ण के हस्त कमल के स्पर्श मात्र से कृष्ण को पर्वत को उखाड़ने में और यहाँ रखने में कोई श्रम नहीं हुआ स्पर्श किया तो गिरिराज गोवर्धन अपने उठ करके और उनके छत्र के समान उनके अंग्रेजवासियों की रक्षा करने वाले हैं ऐसे परम दयालु को छोड़ करके किसी अभिष्ट को प्रार्थना करो इसीलिए आपसे प्रार्थना मैंने अपने नीचे प्रवेश करके जीव प्रदासियों की रक्षा की है ये तो कृष्ण किसी से युक्त जिनको गोवर्धन की कंदरा में नीचे छिपा करके रक्षा की वो तो आपके परिकर थे मैं तो आपका परिकर नहीं हूँ अत्यंत दीन हुई हूँ गोवर्धन आप अत्यंत करुणा से करुणा के सागर करुणा बरमाले अतः इस दिन दुखी को अंगीकार करके अपने निकट नहीं था निरपद करने में श्री सचिन नंद ने कपट सखो की तत्प्रियेणा प्रतोष्मे इति कर्म मजोग्या योग्यता तामनेन निकट निवास मुझे वो जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए रघुनाथ दास कर रहे जो व्यक्ति के लिए अपने निकट में मुझे पास कीजिए मुख्य कारण सुनिए मैं जैसे भी कटपटी और सख हूँ परंतु मुझे चैतन्य महाप्रभु ने आपके निकट अर्पित किया कि जाओ वहीं पर गिरिराज गोवर्धन और गोवर्धन शिला देवी
और साथ साथ में एक मुंडिया वाला दे ले जाओ, इसी की पूजा करो। सचिनंदन आपके परम प्रिय हैं, अगर प्रिय के वचन को अवश्य ही मान लेना चाहिए, क्योंकि तो राजमहाराज के शरण में सचिनंदन ने मुझको भेजा है, मैं आया हूँ, इसलिए उनकी बात मान करके हमको शरण की। यदि कहो पुरुषोत्तम क्षेत्र में तुमको यहाँ भेजने वाले सचिनंदन कुछ प्रयोजन अवश्य होगा, यदि सचिनंदन ने भेजा है तो कोई मतलब होगा, तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि वे तो अकारण ही दया करने वाले हैं। इसलिए है गोवर्धन उस योग्यता और अयोग्यता को न ग्रहण कर सकते गोवर्धन आश्रम भक्ति रस को देने वाला है, अतः जो व्यक्ति पर्वत कुल के स्वामी श्रीमान गोवर्धन के दशक का इसका प्रतिदिन पाठ करता है, तो वो भक्ति सुखप्रद गोवर्धन में शीघ्र ही निवास पा करके राधा कृष्ण की सेवा रूपी को मंगल को प्राप्त करता है। Just like Narayan Bhagawan is very powerful, but Lalu Gopal, begging food from his mother and bound by Mother Yashoda, he is even more powerful, even though in a very small form. Therefore, Giriraj, please be kind to me, Nija Nikat Nivasam Dehi Govardhanam, and give me a place near your side. Then Giriraj may ask, why do you want to stay near me? Devasi Raghunand Das Goswami answers, because you became like an umbrella, and Krishna used his own hands as like a handle of that umbrella to crush the pride of Indra. Then Krishna gave you a position superior even to the demigods. Therefore, please give me a place near you. Pramoda mandalila kandare kandare te rajetina vino dandina spinda modam. O Giriraj, please keep me near you. Why? Because the divine couple, Sri Radha and Krishna, have performed pastimes in each and every of your caves and kunjas. Even though we cannot see them now, these caves are still there, and even there are a few kunjas remaining at Pichalikalota. Therefore, they have performed very loving and secret meetings there in your caves. I wish to see these pastimes someday. Therefore, please give me a place near your side. Anupamanivedi Ratna Shinhasana Orgi. O Giriraj, please give me a place near you. Why? Giriraj may say, I think Krishna also performed pastimes with Radhika at Sanket, Nandagaon, Varshana, etc. You can go and stay there. But Siddhas Goswami says, no, because here you have used your own slabs and pieces like a jeweled Singhasan with very nice fragrance. On these singhasans, your sakis and sakas, like Baladeva and the gopis, have performed many, many pastimes at you, on them. Therefore, they are fragrant by their, you are fragrant by their touch. By staying in you, I can see you. Or at least, you can give these pastimes, you can manifest them within my heart. See, Vidadas Goswami continues, Rasadidhi Navayundam Saksinam Dharanakim. O Giriraj, please keep me near you. Why? Because you are the treasure chest of rasa and nectar, and you are the personal witness of Krishna's pastimes of demanding tax from the Brajagopis. Therefore, Krishna's complexion and fragrance has even come in you.
There was sometimes we see Shambhavi and Ratnavedi, different places where Krishna performed his leelas. Oh Giriraj, you are Rasaniti Navayono. You are the best of the Rasi Vaishnavas. Giriraj has provided all these things for Krishna's servants, such as kuns, like Govinda Kund, Manasi Ganga, Radha Kund, and so many. You have provided all of these for Krishna's seva. You have provided many trees which give nice flowers like belly, chameli, kadamba, etc. And Radhika performs pastime of picking them. I wish to see these pastimes also. Haridaito Purvam Radha Kunda Madhma. O Giriraj, Giriraj may say, O Dasa Goswami, but you can live near Haridev, you can live at Manasi Ganga, you can live at Kusum Sarovar. Why do you want to live with me? Then Dasa Goswami answers, because Radha Kunda is like your own Atma. Indeed, you keep Radha Kunda on your neck like a locket, like a very precious jewel, and you always embrace that. Radha Kunda is most dear to Krishna. She is so powerful, she can even clear away Krishna's separation from Radhika. Therefore, Radha Kunda is your friend, she is your life and soul, she is Radhika herself. Therefore, if I live near you, then definitely I can also see these pastimes in a different birth directly, or you can manifest the vision of these pastimes within my heart. You perform all types of seva for Krishna and his devotees. Therefore, I want to stay near you. And Giriraj may say, well, there are so many associates in Vrindavan, you can pray to them for mercy. But Gandhas Goswami says, no, because you serve not only Krishna, but all his devotees. Therefore, you are Govardhan. You increase the enjoyment of the senses of the gopis and the cows. Therefore, in the three planetary systems, your name is most glorious. And when the gopsakas and gopis come to meet Krishna Govardhan, I can also see those pastimes. Then Giriraj may say, O Dasa Goswami, why do you want to stay with me? You can stay in Vrindavan and your desires will be fulfilled. But Siddhas Goswami says, no, because you are like a new house where new and new pastimes have been performed. Krishna elevated to a position more than the devas, such as Indra. And Agaribhakti Sri Krishna, who is the killer of Agasura and Bakasura, gave you so much honor and respect by lifting you. In fact, Krishna manifested himself in another swoop as Giriraj, just to accept the offering of the Brijvasis. Then Giriraj may say, then why do you want to live near me? There are so many places in Mathura Mandal. But see, the Das Goswami says, no, you are the best Haridas, you are the best of the Haridasas. One Haridas is Yudhisthira. Haridas Vara is Uddhava. And Haridas Vaja is Sri Giriraj himself. Your name is like nectar, and you are the tilak on Braj. Just like when someone wants to become a king, they put the tilak. Then you became the king of all the mountains. Therefore, I want to stay with you because you are the best of the servants of Krishna. Giriraj may say, but you can beg mercy from other Brijvasis? Krishna says, no, because you are beloved of all the Brijvasis. You are beloved of the men, the women, the animals, even the trees of Vrindavan. All the Brijvasis love you the best, therefore you are the best of the Brijvasis. Even Nanda Baba, when he desires something for Krishna's happiness, he does not ask Krishna, because nobody thinks Krishna is Bhagavan. Rather, Nanda Baba himself prays to Giriraj to fulfill his desires. Krishna experienced no difficulty when he lifted you. In fact, his arm, you became like an umbrella and his arm became like a handle. You protected all of Brijvasis. Why should I ask anything from anyone else? Oh Giriraj, you have so much love for Krishna and I am most fallen and you are a great ocean of mercy. Then, what's the last one? The second last one. Oh Giriraj, I am very crooked and full of faults, that's what Swami says. But because Mahaprabhu is very dear to you,
and you cannot refuse the prayers of a beloved. Mahaprabhu has offered me to you. Mahaprabhu gave Das Goswami the Govardhan Shila and the Gunjamala. Because Mahaprabhu is very dear to you, then you cannot refuse the words of Mahaprabhu. Therefore, you cannot see whether I am yogi or yogi tathapana. As we come, you cannot see whether I am qualified or unqualified. You have to accept the words of Chaitanya Mahaprabhu. Then Giriraj may ask, there must be some reason Mahaprabhu sent you away from Puri. Then he says, no, no, that is not anything. The only reason he sent me to you, because he is very, very merciful. Therefore, one who prays every day, these prayers to Giriraj, all their desires are fulfilled, they can get the silver of Radha and Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Prarthana Parchan Giriraj Purvati. Krishna Prasadena Samasta Sahina. Samrajya Mapno Icha Bairno. Sakrasya Papo Balinsa Sakshat Pavartano Vedinsa. Krishna Kripate. Giriraj Govardhan samasta sai samasta parvate samrat aman ki krishna bai je sakra indra tahake bali sakshat bhog pradan kare che tah puja kare che sei govardhan আমার সব আশাকে পরিপূর্ণ অভীষ্ট করি কি অভীষ্ট সমস্ত অভীষ্ট থেকে অভীষ্ট হচ্ছে রাধা দাস বলছেন না কিন্তু ভিতরে এই ভাব সপ্রেষ্ঠ হাস্তা মুখে সব কমার দিয়ে সুখানুভূতে রতি ভোগ মহেন্দ্র বজ্রা হতিমাত্র জানি গোবর্ধন কৃষ্ণ তার সুকোমল কৃষ্ণের হস্তের উপরে আছে কৃষ্ণের স্পর্শ সুখের অত বিভোর যে ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তার উপরে আঘাত করছে তথাপি গোবর্ধন মনে হচ্ছে যে তার খুবই লাগছে বললাম সুখ মনে করে এই গিরিরাজ গোবর্ধন আমার এই আশা পূর্ণ করুন যত্রৈব কৃষ্ণ বিশ্বভান পুত্রা দানং গৃহীতম অর্হন্তি দেবী সুতে স্পৃহা যত্র মহত্তত্ত্বা শ্রী গোবর্ধন মেয়ে দিশতা হে গিরিরাজ গোবর্ধন আমার অভীষ্ট পূর্ণ কর যেখানে তে দান খাটি বিশ্বভান পুত্রা শ্রীমতী রাধিকার সঙ্গে দান গ্রহণ করবার জন্য কে কলহ হয়েছিল আপনি তাহার সাক্ষী স্বরূপ আছেন রাধাকুন শ্যামকুন কুসুম সরোবর মধ্যে তাহা শীতলতা আসিদ্ধতা বনের মধ্যে ফুলে সব সুগন্ধি নিয়ে আর নিপাতি পরাগ ফুলি নিপনে কদম্ব কদম্বে পরাগ ওই সবগুলি ধরি নিয়ে আলোলয়ান খেলা কিছু আসবে অদ্ভুত আপনি সব ভাই মান আপনি আমার ইচ্ছা অভিলাষা পূর্ণ করেন কস্তুর কালী সৈতম কিমুত্রে এখানে কি কস্তুরি প্রেম
सबसे प्रथम है महर्षि गंगा हरिदेव ब्रह्मकुंड महर्षि गंगा चपलेश्वर महादेव सनातन गोस्वामी फजलपुर जी अपने बुखार मिलने के हस्बैंड ताकि प्रदान करें जो आता पर एक अनुभव से कल के प्रोग्राम कल के नाम दो हरे कृष्णा भक्त जा रहे दो दिन के बाद ये हरिनाम दीक्षा काल से 9:30 बजे सब डिवोटेड।